और आज हम अपने चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को आगे बढ़ाने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, क्यों? बिकॉज इसमें आपको ये समझ आएगा कि एटम्स कैसे कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। एटम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हमेशा नहीं कर सकते और यूजुअली वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते ही नहीं। तो कैसे करते हैं? या तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में या आयंस के फॉर्म में। अभी के लिए मेरा फोकस जो है वो मॉलिक्यूल्स पे रहेगा। मॉलिक्यूल्स होते क्या है? दो या दो से ज्यादा एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनने वाले ऐसे कंपाउंड या एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट या सबसे छोटा फॉर्म जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, और उसकी प्रॉपर्टीज वही होगी जो उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होगी। और ये जो एटम्स हैं वो केमिकली कंबाइंड हैं, और ये केमिकली कंबाइंड कैसे हैं? बाय एन अट्रैक्टिव फोर्स। मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको ये समझाया कि मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस, एंड ये किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का सबसे छोटा फॉर्म है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज capable of independent existence, और इसमें उस substance की सारी properties होने वाली है। Molecules दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो होंगे elements के जिसमें एक ही तरह के element के atoms होंगे, या वो होंगे compounds के जिसमें different elements के atom होंगे। इससे मेरा क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स दैट इसमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट है, एक ही तरह का एलिमेंट है और उसी के बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कुछ गैसेस होती हैं जैसे नोबल गैसेस कहते हैं जिन्हें, जैसे आर्गन, हीलियम, ये इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली एक एटम इनका एग्जिस्ट कर सकता है, इसीलिए उनको कहते हैं मोनो एटॉमिक। जैसे कि गैसेस लाइक आर्गन, हीलियम एंड कुछ ऐसे भी होते हैं मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे गैसेस जनरली लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जो दो एटम साथ में एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें कहते हैं डाई एटॉमिक। तो एग्जाम्पल क्या ले सकती हूँ मैं, क्या इसका ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, तो O2, H2, और मोनोटॉमिक में मैंने क्या बताया, वो गैसेस जो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली रह सकती है एक ही एटम के साथ। तो जैसे कि हीलियम हो गया HE, नियॉन हो गया NE, तो कुछ भी हो सकता है। अब चलते हैं ट्रायटॉमिक में। आपने ओजोन का नाम तो सुना है, ओजोन यानी कि O3, तो इसमें तीन एटम्स हैं ऑक्सीजन के। सो ये कैसे ओजोन गैस एग्जिस्ट करती है? तीन एटम्स के साथ, तो इसको ट्राइएटॉमिक कहा जाता है। आगे चलते हैं टेट्राएटॉमिक। एज द नेम सजेस्ट, मोनो का मतलब वन था, डाई का मतलब टू, ट्राई का मतलब तीन, टेट्रा में मैं बात करती हूँ चार की। तो यहां मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है P4 के फॉर्म में, फोर एटम्स कंबाइन होते हैं तो इसको कहते हैं टेट्रा एटॉमिक। अब अगर उससे ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं, जैसे कि सल्फर के मॉलिक्यूल के लिए, सल्फर के मॉलिक्यूल जो होता है सबसे छोटा, वो इंडिविजुअली S8 के नाम से एग्जिस्ट करता है, जिसमें 8 एटम्स ऑफ सल्फर होते हैं टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, तो उसको कहा जाएगा पॉली एटॉमिक। पॉली मीन्स मेनी। अब मैंने आपको ये सब क्यों इंट्रोड्यूस किया? बिकॉज एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं उसको कहेंगे उसकी एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं उसको कहेंगे उसकी एटॉमिसिटी। इट कैन बी मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा या पॉली। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको कराए। अब अगर हम आगे चले तो ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं
मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया अमोनिया का, अमोनिया में डिफरेंट एलिमेंट्स है, कौन कौन से एलिमेंट्स है, एक है नाइट्रोजन और एक है हाइड्रोजन। आप देख रहे हैं ना NH3, N stands for nitrogen, H stands for hydrogen। अब मैंने बोला ये definite proportions में join करते हैं। अब इन definite proportions का क्या मतलब है? पर मेरा मतलब इसमें mass से है। नाइट्रोजन का मास क्या होता है? पहले तो आप ये बताएंगे कि अमोनिया में कौन से दो एलिमेंट्स है। अमोनिया में है मेरे पास नाइट्रोजन और मेरे पास है हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन का मास क्या होता है? नाइट्रोजन का मास होता है 14U और हाइड्रोजन का मास होता है 1U। पर यहाँ पे तीन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है तो मास क्या हो जाएगा? 1 into 3, बिकॉज हाइड्रोजन का 1 होता है 1U, बट 3 एटम्स आ गया तो 1 into 3, 3U। तो अगर मैं बात करूं सबसे छोटे फॉर्म में भी इसे को और सिंपलीफाई तो मैं नहीं कर सकती, तो अमोनिया में नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन का जो मास है वो 14:3 है बाय मास। इस डेफिनेट प्रोपोर्शन में अमोनिया हमेशा होगा। तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा इसी डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे, एंड इसलिए मैं कह सकती हूँ कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में ज्वाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि एटॉमिसिटी क्या ऐसी ही हो सकती है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हो उसमें एटॉमिसिटी पड़ी जाए? बिल्कुल पड़ी जा सकती है। तो जैसे कि मैंने अमोनिया की बात की, N एक है, N is one here, एक ही एटम है, एंड H के तीन है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ यहाँ चार एटम्स है? तो ये भी होगा मेरा टेट्रा एटॉमिक, क्योंकि यहाँ पे चार एटम्स है अमोनिया में, तो ये भी मेरा होगा टेट्रा एटॉमिक। अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है तो अब चलते हैं हम कि एटम्स एज आयंस कैसे एग्जिस्ट करते हैं। अभी हमने ये समझा कि एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो या तो वो मॉलिक्यूल्स या आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल में बात की, अब हम करेंगे आयंस के बारे में बात। आयंस आर चार्ज्ड स्पीशीज, एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसपे एक नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज है। तो क्या है आयंस? एटम्स है या ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसपे नेट चार्ज है, नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज है उनके ऊपर। अगर तो वो नेगेटिव चार्ज लेकर है, अगर उस पे नेगेटिव चार्ज है तो उसको अनायन बोलते हैं, और अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसे कटायन। मैंने क्या बोला? कटायन बोलते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे नाम है। अनायन आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस एंड कटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। अब अगर मैं ग्रुप ऑफ एटम्स की बात कर रही हूँ, देखिए अगर तो एक सिंगल एटम है जिसपे चार्ज है वो तो सिंपल आयन कहलाता है, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स का जिनपे चार्ज है तो उसको कहते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। सो ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉली एटॉमिक आयंस। इसे मैं थोड़ा और डिटेल में आप लोगों को समझाती हूँ। लेट्स से सोडियम क्लोराइड है NaCl। अब NaCl दो आयन से बनता है, इसमें एक तो होता है Na पॉजिटिव। अब Na पॉजिटिव चार्ज है, मतलब सोडियम का कटायन है, और दूसरा होता है Cl माइनस चार्ज है, मतलब क्लोरीन का अनायन है। क्लोराइड जो है यहाँ पे Cl माइनस वो अनायन है, Cl माइनस। तो ये हो गए मेरे सिंपल आयंस, एक ही एटम सिंपल आयंस। लेकिन पॉलीएटॉमिक आयंस ग्रुप ऑफ एटम्स जिन पे चार्ज है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला HCO3 होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, ग्रुप ऑफ एटम्स है, और उसपे नेगेटिव चार्ज है। क्या है? नेगेटिव चार्ज।
अगर तो वहां पे माइनस के साथ कुछ नंबर नहीं लिखा, ऊपर की तरफ हम चार्ज देते हैं, कोई नंबर नहीं लिखा तो हम इसमें बोलेंगे वन का चार्ज है, माइनस वन का चार्ज है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कार्बोनेट, सिर्फ कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला CO3 होता है, उस पे 2 माइनस लिखा है ऊपर, 2 माइनस मतलब इस पे 2 का चार्ज है नेगेटिव। तो ये होते हैं हमारे पॉली एटॉमिक आयंस। ये तो थे हमारा आयन का कॉन्सेप्ट, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट करके वो मैटर बनाते हैं जिन्हें हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी हम बहुत डिटेल में आयंस में नहीं गए हैं, अभी हम चैप्टर 3 में जितना है उतना समझ रहे हैं। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है कि आप ये जानना चाहते हैं कि कटायंस और अनायंस बनते कैसे हैं, एटम जब न्यूट्रल होता है उस पे चार्ज आता कैसे है, वो आयंस बनते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का क्या खेल है, इस इंटरेस्टिंग सी कहानी को देखने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हो, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें मिलने वाली है। अब हमने अगर ये समझ लिया है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में हम कंपाउंड फॉर्मेशन समझेंगे। थैंक यू, वेरी गुड डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।